नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि घरों में जो आरसीसीबी सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं वो 30 मिली एम्पियर ट्रिप करंट टाइप वाला ही क्यों यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट है, वो भी बताएंगे कि अगर 30 मिली एम्पियर टाइप कहीं पे यूज नहीं हो सकता तो क्या करें। अब हर आरसीसीबी ब्रेकर में दो टाइप की बेसिक करंट रेटिंग होती हैं। पहली है रेजिडुअल करंट या ट्रिप करंट, इसको आई डेल्टा एन से लिखते हैं। ये 30 मिली एम्पियर हो सकती है, 100 मिली एम्पियर हो सकती है, 300 मिली एम्पियर हो सकती है। दूसरी है रेटेड करंट, जिसको आई एन से लिखते हैं। ये वो करंट होती है जो कांटेक्ट में फ्लो होती है या लोड में फ्लो होती है। ये 16 एम्पियर हो सकती है, 25 एम्पियर हो सकती है, 32 एम्पियर हो सकती है, 40 या 63 एम्पियर हो सकती है। तो आरसीसीबी खरीदते समय आप इनमें से एक सेलेक्ट करना है और इनमें से एक सेलेक्ट करना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक आरसीसीबी लें जो 30 मिली एम्पियर रेजिडुअल करंट वाला हो, मगर उसकी रेटेड करंट 25 एम्पियर हो या 32 एम्पियर हो। आपके पास कॉम्बिनेशन है ये। अब ये जो करंट है वो रेजिडुअल करंट है जब इतना फ्लो होने पर आरसीसीबी ट्रिप हो जाता है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। अब जो आरसीसीबी सर्किट ब्रेकर है वो बॉडी को इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ हमने एक प्लॉट दिखाया है कि बॉडी कितनी करंट ले सकती है। ये बॉडी में करंट है और ये कितने टाइम तक करंट बहती है। इसके ऊपर अनसेफ एरिया है। तो आप देखिए कि बॉडी में अगर ज़्यादा करंट बह रही है तो कम टाइम के लिए बह सकती है, और अगर करंट कम है जैसे यहाँ पर है तो ज़्यादा समय के लिए बह सकती है। अब ये प्लॉट तो है, हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम कितने मिली एम्पियर वाला आरसीसीबी यूज करेंगे। तो इसके लिए हम आपको कुछ एक नई चीज़ बताते हैं। अब कितने मिली एम्पियर वाला आरसीसीबी सेलेक्ट करें ये पता नहीं, लैक ऑफ नॉलेज। सबको नॉलेज नहीं होती ना। मैंने भी 35 साल तक डिजाइन डिपार्टमेंट में काम किया, मुझे भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता। उस समय हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड्स रिफ़र करते हैं। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, सब प्रोडक्ट के लिए होता है। वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स बहुत से एक्सपर्ट मिल करके बनाते हैं, उसको कोई भी यूज कर सकता है नॉलेज के लिए भी, और वो डॉक्यूमेंट में जो कुछ लिखा होता है उसको मानना भी जरूरी होता है। ये डॉक्यूमेंट ओपन मार्केट में नहीं मिलते। जो हम नेक्स्ट स्लाइड दिखाने जा रहे हैं वो डेटा इसी टेक्निकल डॉक्यूमेंट से लिया है हमने। अब स्टैंडर्ड के हिसाब से ह्यूमन सेफ्टी के लिए जो आरसीसीबी ट्रिप की ज़रूरत है वो इस प्लॉट के हिसाब से है। ये करंट है मिली एम्पियर में, ये रेजिडुअल करंट है जो आरसीसीबी में रहती है या जिसकी वजह से आरसीसीबी ट्रिप होता है। ये टाइम है मिली सेकेंड में, ये वो टाइम है जितनी देर में आरसीसीबी ट्रिप होता है। अब अगर ये पॉइंट लीजिए रेजिडुअल करंट 240 मिली एम्पियर है तो आरसीसीबी 50 मिली सेकेंड से पहले ही ट्रिप हो जाना चाहिए। अगर रेजिडुअल करंट 80 मिली एम्पियर है तो आरसीसीबी 150 मिली सेकेंड या उससे पहले ही ट्रिप हो जाना चाहिए। अगर रेजिडुअल करंट 30 मिली एम्पियर है
तो आरसीसीबी 500 मिली सेकेंड या उससे पहले ही ट्रिप हो जाना चाहिए। ये जो चार्ट है वो यही है, ये है करंट फ्लो इन ह्यूमन बॉडी थ्रू आरसीसीबी और ये आरसीसीबी ट्रिप होना चाहिए, मस्ट ट्रिप इन लेस देन टाइम, ये टाइम है। इस स्पाइन के लिए 240 मिली एम्पियर 50 मिली सेकेंड, इस स्पाइन के लिए 80 मिली और 150 मिली सेकेंड, और तीसरा पॉइंट है 30 मिली एम्पियर और 500 मिली सेकेंड। ये जो निशान आप देख रहे हैं ये लगभग का है, जो प्लाट हमने देखा उसमें हम अंदाजा नहीं लगा पाए कि एग्जैक्ट टाइम क्या है, वो लगभग 500 मिली सेकेंड था, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली का निशान लगा दिया। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो ह्यूमन सेफ्टी के लिए है और ये तब पूरी होती है जब आप 30 मिली एम्पियर वाला आरसीसीबी यूज करें। अगर 300 मिली एम्पियर वाला या 100 मिली एम्पियर वाला यूज करेंगे आरसीसीबी तो वो इतनी जल्दी ट्रिप नहीं करेगा। जो 30 मिली एम्पियर वाला आरसीसीबी बनाते हैं वो इसी हिसाब से बनाते हैं कि वो इससे भी जल्दी ट्रिप कर दे, इसीलिए 30 मिली एम्पियर वाला आरसीसीबी घरों में ह्यूमन सेफ्टी के लिए प्रयोग करते हैं। अब 30 मिली एम्पियर टाइप वाले जो आरसीसीबी होते हैं उनके ये डेटा हैं, ये साइड में रेजिडुअल करंट है और यहाँ पे ट्रिप टाइम है। तो जब इस वाले आरसीसीबी में 30 मिली एम्पियर करंट बहती है तो वो 300 मिली सेकेंड में ट्रिप हो जाना चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड है। और अगर उसी में रेजिडुअल करंट 15 मिली एम्पियर है तो वो ट्रिप नहीं होना चाहिए, 15 मिली एम्पियर से अगर कम हो तो। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 15 से 30 मिली एम्पियर के बीच में कितनी भी रेजिडुअल करंट बहे ये ट्रिप हो जाएगा। कुछ आरसीसीबी 30 मिली एम्पियर पे ट्रिप होंगे, कुछ 28 पे होंगे, कुछ 25 पे होंगे, हर आरसीसीबी में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होगा। देखिए यहाँ लिखा है नो ट्रिप, ये नहीं कि जरा सी करंट बह गई 5 मिली एम्पियर और आरसीसीबी ट्रिप हो गया इसका मतलब वो खराब है, 15 मिली एम्पियर से नीचे ये ट्रिप नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर करंट बढ़ जाती है, डबल हो जाती है 60 मिली एम्पियर रेजिडुअल करंट, तो ये 150 मिली सेकेंड के अंदर ट्रिप हो जाना चाहिए। और अगर ये करंट 150 मिली एम्पियर है तो 40 मिली सेकेंड से कम टाइम में वो ट्रिप हो जाना चाहिए। अब कहीं पर 30 मिली एम्पियर टाइप वाला आरसीसीबी प्रॉब्लम दे रहा है, वो बार बार ट्रिप हो रहा है, हम उसको छू नहीं रहे, मगर बिना छुए ही बिना टच किए ही हमारी बॉडी से लीकेज करंट नहीं बह रही, बल्कि लीकेज करंट जो बह रही है वो बहुत से इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होते हैं या बहुत ज़्यादा लोड होता है उनमें लीकेज होने लगता है और आरसीसीबी बार बार ट्रिप होने लगता है, उस समय क्या करें। तो अगर लोड बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, 30 मिली एम्पियर की बजाय 300 मिली एम्पियर वाला आरसीसीबी लगा देते हैं इन कमर में, मगर ये हमको प्रोटेक्शन नहीं देगा इलेक्ट्रिकल शॉक से। फिर क्या करते हैं, ये जो वायर हैं बहुत जगह बहुत से लोड में जा रहा होगा, लोड वन लोड टू लोड थ्री छोटे छोटे लोड, तो हर लोड में 30 मिली एम्पियर वाला लगा देते हैं। मान लीजिए आपकी बड़ी सी बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे फ्लैट हैं, तो आप क्या करिए इनकमर में 300 वाला लगा दीजिए और फिर हर फ्लैट में 30 मिली एम्पियर वाला लगा दीजिए। तो ये आरसीसीबी 30 मिली एम्पियर वाला हमको इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन देंगे,
ये वाला नहीं देगा। ये प्रॉब्लम हमसे किसी ने पूछी थी, कई लोगों ने पूछी थी। यहाँ हमने 3 लोड दिखाए हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो 30 मिली एम्पियर वाला आरसीसीबी है वो घरों में प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक से ह्यूमन को बचाने के लिए, और जो 300 मिली एम्पियर वाला है उसको फायर प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं इंडस्ट्री में या कमर्शियल बिल्डिंग में, या फिर कहीं बहुत सारे लोड हैं जैसे अभी हमने बताया उनमें लीकेज हो रहा है, वहाँ पे 300 मिली एम्पियर वाला यूज कर सकते हैं। मगर फिर दोनों प्रयोग करने पड़ते हैं।